Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. So let's see के आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं कीजिएगा. बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज द मैसेज ऑफ द डे. आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है, लेट्स सी. पेज ऑफ सोर्ड्स आया है. कोई ऑनलाइन आपको चेक करता रहेगा आज पूरे दिन. एक ऐसा पर्सन जो कि अपोलोजेटिक है, कुछ ऑफर करना चाहता है. शायद आपकी के आपने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसइंटरप्रेट किया है उसकी बात को, तो ये आपको ऑनलाइन ज़रूर चेक करेगा. लेकिन ये बॉटम ऑफ द डेक पर आया है. अगर इस कार्ड ने आना होगा तो ये दोबारा भी आ जाएगा. लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे. थ्री ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स. ओके, ठीक है. और बॉटम ऑफ द डेक में सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स लवर्स के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है. ओके, सही. आपने ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में जो है ना बड़ी अकेले फ़ाइट की है, और बहुत अकेले फ़ाइट करने में जो है आप काफ़ी सेल्फ डिफेंसिव हो गए. और हर दफ़ा फ़ाइट होती थी, आर्ग्यूमेंट होती थी, ज़िम्मेदारियां बढ़ती हैं, तले ऊपर एक के बाद एक ज़िम्मेदारी बढ़ती रहती है, फिर आप ही को लेट डाउन होना पड़ता है. लेकिन आपने कुछ अरसे से अपने ऊपर अपना एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म स्टार्ट किया है. आप अपनी बात पर कायम रहते हैं. लोग आपको काफ़ी एरोगेंट समझते होंगे. आपका स्टेटस भी कुछ इस तरह का है कि अगर आप ये थोड़े दिनों में अगर ये वाला रूप ना अपनाएं तो कुछ लोग आपको लिटरली खा जाएंगे, कुछ ऐसा मामला है. बहुत सारे लोगों ने इस रवैये की वजह से आपके ऊपर रिलेशनशिप रिवील भी हुआ होगा. बहुत सारे लोगों ने आपसे दूरी अपना ली होगी. एक इंसान एक ऐसा ज़रूर है आपकी लाइफ में जो काफ़ी दूर बैठा हुआ है आपसे. आपके बारे में सोचता तो बहुत है लेकिन वो आपको कुछ मिसअंडरस्टैंड करता है. उसको लगता है बहुत ही एरोगेंट और बहुत ही प्राउड है. आपके अपने नॉर्म्स हैं, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर इसको डील करते हैं, जबकि इस इंसान को आपसे मोहब्बत है. लेकिन वी नेवर नो के पास में इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया होगा. ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी ज़िंदगी के एक रोमांटिक साइड को लेकर सक्सेसफुल नज़र आ रहे हैं. आपको लग रहा है कि ठीक है, मुझे अपने जिस तरीके से भी अपनी लव लाइफ को हैंडल करना था या मुझे जो उसमें अचीव करना था वो मुझे मिल गया है. अच्छा मिला, बुरा मिला, सेक्रीफाइसेस पे मिला, कॉम्प्रोमाइजेस मिला, जो भी मिला. अगर अब लोगों के ऊपर ये इम्प्रेशन है कि मैं अब अपनी लव लाइफ में बिल्कुल सेटल हूँ, ख़ास तौर पे वो इंसान जिसने किसी वक्त मेरे साथ कोई रिश्ता निभा कर मुझको छोड़ा, कि उसके बगैर तो शायद ज़िंदगी नहीं चल सकेगी. अब अगर वही इंसान इस बात को सोचता है या सोचती है कि ये अब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, तो ये आपके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है. आज आप अपनी ओवरऑल एनर्जी में लाइफ के किसी भी मैटर को लेकर आप एक अचीवमेंट फील करेंगे. आपको लगेगा कि यू डिड द राइट थिंग, और आपको विक्ट्री महसूस होगी, आपको कामयाबी महसूस होगी कि ठीक है, मैंने शुरू के दिनों में जिस चीज़ पर अपना जो है वो नॉर्म सेट किया था, जैसे अगर ये यहाँ पर ये सेवन है और ये सिक्स है, जिस बात पर आप कायम थे आज आपने उसी बात को लेकर एक सक्सेस और एक विक्ट्री हासिल कर ली है. लोग आपके बारे में गलत परसेप्शन डेवलप करते हैं, लोगों का फॉल्ट है. आप जिनको पर्सनली फेस टू फेस, हैंड टू हैंड, पर्सन इन पर्सन डील करते हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि आप रिकग्निशन और रिवॉर्ड के मुस्तहिक हैं. तो जिस चीज़ को लेकर आपने बहुत सारे लोगों से अकेले तनतनहा फाइट की, आज वही लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं. और ये आपके लिए आज ओवरऑल एनर्जी में है कि आपके डिसीजंस, आपके मैटर्स, चाहे लोग आपके बारे में क्या ही बात क्यों ना करें, बट दिस इज़ समथिंग कलेक्टिवली गुड फॉर यू, कि आज आप अचीवमेंट फील करेंगे, आज आप विक्ट्री फील करेंगे, आज आप अपने आप को कंटेंट और एक सक्सेसफुल पर्सन फील करेंगे. लोग आपके बारे में बात भी कर रहे हैं,
लोग आपके बारे में सोच भी रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू द मैसेजेस ऑफ द डे, इट लुक्स लाइक के जो तकलीफ होती है ना एक सेटल्ड लाइफ में, मैरिड लाइफ हो या रिलेशनशिप हो, जो चीज़ें तकलीफ देती आई हैं, आपने फाइनली ये डिसाइड कर दिया है कि आप उनको छोड़ देंगे अपनी ज़िंदगी से। ऐसे लोगों को जो प्रिटेंड करते हैं कि वो आपकी एक स्टेबल लाइफ में आपके साथ मौजूद हैं लेकिन हमेशा आपको बुरे तरीके से छोड़ देते हैं, तो आप उनको आप पीछे छोड़ देंगे। आप हर्ट हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, आप हर्ट हैं अपनी दिल की कैफियत को लेकर, आपका दिल दुखाया हुआ है और इस रिलेशनशिप में या इस मोहब्बत ने या इस शादी ने या इस मंगनी में जो भी आपकी ये सिचुएशन है, ये सेटल्ड सिचुएशन जो भी है, इसमें आपको तकलीफ़ मिलती रहती है ऑन एंड ऑफ। यानी आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि इट्स 100% परफेक्ट, ये बिल्कुल भी नहीं है। और आज के दिन आप ये महसूस करेंगे कि मैं सबसे ज़्यादा मेरी जिस पे रिलायबिलिटी है, मेरी वैलिडिटी जिसके ऊपर है, मुझे उसी की तरफ से हमेशा कोई ऐसा ताना पाना जो ना मिलता रहता है, तो ये मोहब्बत तो ना हुई। दूसरा, पैसों पे थोड़ा ध्यान कीजिएगा। आज ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे उधार मांग सकता है, कोई कर्ज़ा, कोई लोन मांगेगा, लेकिन आप बड़े महारत से उसको जो ना टाल देंगे कि आप इस पोजीशन में नहीं हैं। लेकिन कोई एक क्लिंजी पर्सन आपके साथ है जो लटका पटका रहता है, आप इसको बहुत दफ़ा अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये पर्सन आपके साथ चिपका ही रहता है। आप इसको लाख बोलें कि बस अब हमारे मामलात ख़त्म हो गए, अब कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे लटकन झटकन की तरह आपके साथ ना पीछे लगा रहता है। तो आज के मैसेज बहुत क्लियर हैं। आपकी कोई रिलेशनशिप में कोई ऐसी बात होगी जो आपको काफ़ी दिनों से परेशान कर रही है या तकलीफ़ दे रही है या हर्ट कर रही है, और अगर आप इसको ओपन करेंगे तो शायद हो सकता है आप बिल्कुल ऐसे टाइम पे ओपन करें जब आप इस चीज़ को फाइनल डिसीजन पे ला चुके हों। एक चीज़ मैंने बड़ी नोटिस की जो अभी मेरी नज़र से गुजरी, मैं सीरीज़ ऑफ नंबर्स देख रही थी तो 3, 4, 5, 6, यानी कि लाइफ में इस वक्त आपकी जो सिचुएशन हुई हुई है वो इतनी स्ट्रेट और इतनी सीक्वेंस में हुई हुई है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसके मामले में अगर कोई डिसीजन लें तो आपको कोई ट्रबल होगा। हर्ट है थे आप किसी बात को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, एक ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ ज़िंदगी जॉयफुल होनी चाहिए, फुल ऑफ फन होनी चाहिए, आपको वहाँ से एक हार्ट ब्रेक मिला था पास्ट में। अब आप जितना भी कोशिश करते हैं कि आप इस तरह की चीज़ों को सेटल रखें लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ लेफ़्ट ओवर करना ही पड़ता है और आपको ऐसा फील कराया जाता है यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, या तो ये आप किसी और को फील कराना चाहते हैं या आपको ये इतना शिद्दत से महसूस होता है कि अब आपको लगता है कि होल्ड ऑन, इट्स नॉट द राइट टाइम। और ये चीज़ आज आप करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप किसी को कोई अपना फैसला सुनाएंगे कि वी आर डन नाउ एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द रिलेशनशिप कार्ड, ये स्टेटस शादी, कमिटमेंट, मैरिज, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, जॉय की तरफ से ये कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है जो चीज़ आपने सेंस कर ली हो कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहते हुए जो चीज़ मुस्तकिल तकलीफ़ दे रही है, अब मैं उसको अपने आप से डिटैच कर लूँ और ये डिसीजन काफ़ी विक्टोरियस होगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आ गई। अब इस यहाँ से इन्फ्लुएंस चेक कर लेते हैं। आज के दिन आप अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन लेंगे और वो बड़ा डिसीजन ये हो सकता है कि अगर आपने डिसीजन ना लिया तो कम से कम आप उसकी प्लानिंग ज़रूर सोच लेंगे कि मैं इसके मुतालिक अब जो चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही है ना, मैं उसके बारे में अब कुछ सोचूं। मंडे, सैटरडे, संडे और अब मंडे, और ये आ रहा है 2-3 दिन से जो लोग मैसेज ऑफ द डे देख रहे हैं। स्वैप आइडिया, सीक एडवाइस, कोई बड़ी बात है तो प्लीज़ मशावरत ज़रूर कीजिए। मंडे को वैसे भी सेकंड है, बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है और ये किसी भी फैसले की बिगनिंग है, ये किसी भी आइडिया की बिगनिंग है। अगर आप बहुत एक्सट्रीम डिसीजन की तरफ जा रहे हैं ना तो उस आइडिया को स्वैप कर दें। जब तक आपको एक राइट एडवाइस ना मिले, जब तक आप किसी इंटेलिजेंट पर्सन से, उस रेलेवेंट पर्सन से या रिस्पेक्टिव पर्सन से एडवाइस ना ले लें, डिस्कशन ना कर लें, तब तक कुछ स्टार्ट मत कीजिएगा। कोई आज के दिन कुछ स्टार्ट मत कीजिएगा, पॉज कीजिए, थोड़ा रुकिए, मंडे तक देखें कि क्या चीज़ प्रोग्रेशन तक हो रही है एंड देन
डिसाइड समथिंग, जो आपके माइंड में आइडिया है अभी आप उसको अगर स्वैप कर दें तो आपके लिए बेटर होगा, किसी और तरफ ध्यान दे लें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और क्या गाइडेंस आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और क्या गाइडेंस आ रही है। नंबर 24, आई एम जेनरस, ये सेकेंड टाइम आया है इसी वीक में। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, शायद इस जेनरोसिटी की वजह से ही आपसे जो पैसे मांगने वाली बात थी ना, वहाँ पर शायद आप थोड़े से ट्रिकी हो जाएंगे। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड एंड अ वेरी स्किल्ड मेंटेनिंग बैलेंस, स्टेबल रिलेशनशिप, यू आर लॉयल टू योर लव्ड वंस एंड आर एबल टू बी नर्चरर, प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर ऑल एट वंस। मेरे ख्याल में ये जो पूरा आज ये कॉन्टेक्स्ट बना है, इसमें आपको ना अपनी एबिलिटी की वर्थ का अंदाज़ा हो रहा है कि मेरे जेनरस होने से, मेरे लोगों के लिए अवेलेबल होने से, मेरा बैलेंस मेंटेन करने से मुझे क्या मिल रहा है। और मेरी जेनरोसिटी को अगर कोई ग्रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से ले, लालची बन जाए मेरी सखावत को लेकर, तो मुझे ऐसे लोगों को सर्व नहीं करना। ऑल्दो आपको इस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, आप अपने लिए ये बात ज़रूर करें, लेकिन आई थिंक सेलेक्शन ऑफ पीपल जो है ना, वो आपको ख़ुद असेस करना पड़ेगा और उसके लिए आपको मशवरा करना पड़ेगा कि ये जो बार बार लोग मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे लूटते हैं, चाहे वो दिल के हाथों जज्बात को लूटें, चाहे वो पैसों को लूटें और रिश्ते के नाम पर लूटें, तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत प्रॉपर एडवाइस आ रही है कि आपको सही मायनों में एडवाइस लेने की ज़रूरत है कि सेलेक्शन ऑफ लोग गलत हैं या चॉइस ऑफ डिसीजन गलत है। आप जो अपनी लॉयल्टी किसी पे अप्लाई कर रहे हैं वो उसको डिज़र्व नहीं करते, तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 24 है, मे बी बाई 24 ऑफ दिस मंथ आपको कुछ सामने नज़र आ जाए। आप जेनरस रहें, ये एक अच्छी स्किल है, एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छा ट्रेट है, लेकिन मेरे ख्याल में आपको लोगों को ढूंढने की और टटोलने की ज़रा ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम जेनरस। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।